हमारी दफ्तर की टीम अब आगरा पहुंच गई है। चुनाव होने वाले हैं जी, नई सरकार का गठन होगा, कैसी सरकार चाहते हैं? हम तो भाई साहब बढ़िया सरकार चाहते हैं, जो विकास हो। मैं तो ये चाहता हूँ सरकार ऐसी बने जो कि पूरे प्रदेश का भला हो, जो जनता का फेवर में काम करने वाला सरकार आना चाहिए सर। किसी सरकार हो किसी की हो, सुख सुविधा चाहती है सब दुनिया। मैं एक महिला होने के नाते महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार चाहती हूँ। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, ईमानदारी से कार्य होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन पर, मैं हूँ कुंदन श्रीवास्तव। चुनावी दफ्तर की टीम अब आगरा पहुंच गई है। कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और फिर एक नई सरकार बनी हुई है। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में नई सरकार को लेकर क्या चल रहा है, सरकार के उनकी उम्मीदें क्या क्या है। मैं इस वक्त आगरा रेलवे जंक्शन के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ कुछ यात्री मुझे दिख रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार की उनकी उम्मीदें क्या है। हम उनसे पूछेंगे कि ये क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। ये पूरी बातचीत हम उनसे करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नई सरकार को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। मैं अपने सहयोग से बोलूंगा वो मुझे माइक दें और फिर हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा छोटे। छोटे जी, चुनाव होने वाले हैं जी, नई सरकार का गठन होगा, कैसी सरकार चाहते हैं? हम तो भाई साहब बढ़िया सरकार चाहते हैं, जो विकास हो और रोजगार हो। सरकार कोई भी आए मगर सबका साथ सबका विकास, मगर ये नहीं जो हिंदू है मुस्लिम है, कुछ नहीं, सबका काम एक सौ होने चाहिए। कैसी सरकार चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश? सर, सरकार में ऐसी चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर पे काम हो, जो कि हुआ भी है। किसी एक धर्म विशेष का अपीजमेंट ना हो, पोलराइजेशन ना हो, सभी का साथ सभी का विकास हो। आप क्या कहना चाहें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक साबिर खान है। मलिक साबिर खान जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार बनेगी, नई सरकार का गठन होगा, नई सरकार कैसी होनी चाहिए, क्या उम्मीदें हैं आप? कम से कम जो है विकास चाहिए लोगों को, जो जनता है उसको विकास चाहिए, बेरोजगार लोग हैं रोजगार चाहिए उनको। क्या नाम है आपका? यीशु यादव। ये बताइए कि नई सरकार बनेगी चुनाव के बाद, कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं, सरकार से क्या उम्मीद है, कई सरकार चाहते हैं? नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ सरकार ऐसी बने जो कि पूरे प्रदेश का भला हो, यह प्रदेश खुश है तो मैं भी खुश हूँ। हम ये चाहेंगे जो भी नई सरकार आए या बीजेपी फिर रिपीट आए तो रोजगार के लिए कुछ नया करे। हम किसान आदमी है, किसानों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और क्या करना चाहिए नई सरकार को किसानों के लिए, और क्या करना चाहिए? मैं तो अनपढ़ किसान हूँ, इतनी मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन सब कुछ हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। हम सरकार ये चाहते हैं, कोई सी भी सरकार हो, हमें सरकार से मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने काम से, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए आते हैं कमाने के लिए। हमको अपने बच्चों के लिए पालन पोषण मिले और जो हमारे बच्चे आने वाली जनरेशन है, जो आने वाली है, जो देश के भविष्य के लिए काम करेगी, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनको हर जगह से सारा सहयोग मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई जो नहीं मिल पाती है बच्चों को, उनको पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हम प्लेटफॉर्म के अंदर चलते हैं, वहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में नई सरकार को लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं। हम आगरा कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, हम लगातार यात्रियों से बात कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार से उनकी उम्मीदें क्या क्या होंगी चुनाव के बाद। हम लगातार लोग यात्रियों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? सादिक। सादिक जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं जी, नई सरकार का गठन होगा जी, कैसी सरकार चाहते हैं, नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? जैसी भी आए बढ़िया ही करे, जो भी करे देश के लिए अच्छा ही सोचे, हम तो यही चाहेंगे। लोकतंत्र में कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है जी, जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनती है,
तो जनता की क्या उम्मीदें होनी चाहिए एक नई सरकार के लिए, क्या मतलब एक सरकार को क्या क्या करना चाहिए जनता के लिए ताकि जनता के अनुरूप हो? जनता के लिए उनको पूरी सहायता जैसी कि होनी चाहिए, पब्लिक के लिए हर कारोबार की, हर बिजनेस की, पानी लाइट जैसी भी सारी समस्याएं गरीबी की, वो ही चाहेंगे सारे। और बाकी उन लोगों को खुद पता है कि हमें क्या करना है देश के लिए। हम आगरा कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हैं, हम लगातार ये यात्रियों से रैंडमली बात कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार जिसका गठन चुनाव के बाद होगा उनसे उनको क्या उम्मीदें हैं। हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मन में क्या है, कैसी सरकार वो चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं उनको, उनके इलाके में विकास कैसी है, यह भी हम परखने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे ये जानना चाहते हैं कि वो आने वाली सरकार से क्या चाहते हैं। ना होने वाले नई सरकार बनेगी, नई सरकार जो बनती है उससे क्या उम्मीदें होनी चाहिए, नई सरकार को विकास करना चाहिए, विकास की उम्मीद है जो सरकार बने, नई सरकार उनसे अगर हम पांच उम्मीदें कहें, पांच उम्मीदें क्या हैं आपके? पाँच उम्मीदें मेरी ये है, स्वच्छता का वातावरण है, शांति का वातावरण है, शिक्षा का विकास हो, जो अभी शांति है वो शांति कायम बनी है, यही जो अपेक्षा करती है जनता, और क्या चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, नई सरकार का गठन होगा, कैसी सरकार चाहते हैं? एक सरकार हम ऐसी चाहते हैं, शिक्षा, महंगाई, विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब बेहतर होना चाहिए, सरकार से यही उम्मीद करते हैं। सरकार कोई भी बने इससे कोई वो नहीं। आपको क्या उम्मीद है लेकर? यही होनी चाहिए कि जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, इसका सुधार करें और बेहतर सुधार है आज की डेट में। कैसी सरकार चाहते हैं आप? गुंडा मुक्त होनी चाहिए, कोई सरकार बन जाए, गुंडों का सफाया हो जाए। जो भी नई सरकार बने कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार बढ़िया होनी चाहिए, जो भी बने हमारे साथ में रह के विकास करे और सारे सब कुछ काम बिल्कुल फिट होने चाहिए। नमस्कार, हम लोग दूरदर्शन से हैं। आपका नाम क्या? मांगू, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है सर, नई सरकार बनेगी सर, नई सरकार से क्या उम्मीद है, कैसी सरकार चाहते हैं? जो जनता का फेवर में काम करने वाला सरकार आना चाहिए सर, जो जनता का जो गरीब से गरीब आदमी को और ऊपर आने का को जो करता है वो गवर्नमेंट को वोट डालना चाहिए। पहले माहौल ऐसा ही नहीं था, रोड वगैरह साफ सफाई वगैरह जहाँ भी जाते हैं पूरा खुला माहौल हो रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत तरक्की हो गया। जो नई सरकार गठन चुनाव के बाद उनसे आप कुछ क्या क्या उम्मीदों की बात करें, मतलब कैसी सरकार चाहते हैं, क्या मन में प्रेम होता है, कैसी सरकार चाहिए आपको? सबसे पहले जनता को सुरक्षा प्रशासन अच्छा चले, दूसरा जो बेरोजगार उनको रोजगार मिले, यही सरकार से हर किसी की अपेक्षा होती है कि अच्छे से प्रशासन चले, पुलिस पावर का कंट्रोल हो, तो नई सरकार का गठन होता है। हाँ। नई सरकार बनती है। हाँ जी, सरकार से क्या क्या उम्मीदें, क्या उम्मीद, क्या कैसी सरकार से क्या क्या उम्मीदें होनी चाहिए अगर हम बात करें? जो हमारे युवा तैयारियां कर रहे हैं इनके लिए, जो बेरोजगार हैं इनके लिए नौकरी पा सकें और आगे मतलब उनके लिए उच्च लेवल तक पहुंचाया जा सके, मतलब उनके लिए सारी सेवाओं का भरपूर मतलब वो मिल सके उनके लिए, युवाओं के लिए और जो मतलब गरीब असहाय लोग हैं इन सबकी सहायता मिले, हेल्प मिले, सरकार से यही मांगते हैं। हाँ जी, आइए हम कुछ और लोग से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दिखाएं खचाखच यात्रियों से भरी भरी हुई है प्लेटफॉर्म। चलिए कुछ और लोग से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग दूरदर्शन चैनल से हैं। हाँ। और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं जी, नई सरकार गठित होगी चुनाव के बाद, नई सरकार बनेगी, नई सरकार से क्या उम्मीद है आपको? हमें सरकार होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, इनसे बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? स्वामी भास्करन। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा, कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार तो समाज चाहती है सुधार हो, समाज को सुख मिले, और क्या चाहते हैं सब, काई किसी सरकार हो किसी की हो, सुख सुविधा चाहती है सब दुनिया।
होना चाहिए और जैसा होगा भाग्य में वैसा हो जाएगा, जिसको जनता जनादेश देगी वैसा हो जाएगा फैसला। हम यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आगरा के शहरी इलाकों में जाएंगे, वहाँ लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार को लेकर उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं वो सरकार। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किन फसलों में हुआ चढ़ाव, किन के उतरे मंडी भाव, कहां पे गेहूं सरसों चमकी, किस मंडी में अरहर लुढ़की, हल्दी धनिया तेज बिके हैं या फिर भाव रुके रुके हैं, आगे किसका भाव बढ़ेगा, किन फसलों का दाम घटेगा, ये सब जानने के लिए देखिए मंडी खबर एक्सपर्ट्स के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5:00। देखिए मंडी खबर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वेलकम बैक, हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आगरा के लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के बाद जो सरकार नई सरकार बनेगी उसको लेके उनके मन में क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं। हमने प्लेटफॉर्म पे लोगों से बात की और इस वक्त हम आगरा के धड़कन कहे जाने वाले संजय पैलेस पे खड़े हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव के बाद सरकार से उनकी क्या उम्मीदें होंगी, नई सरकार से क्या चाहते हैं वो। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं TN अग्रवाल, अध्यक्ष आगरा व्यापार मंडल। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, नई सरकार बनेगी, नई सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी, क्या उम्मीद है? देखिए, नई सरकार से सबसे बड़ी बात तो आनी चाहिए रोजगार मुखी, दूसरी सुरक्षा, और अन्य सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में हमको सुरक्षा पिछली बार बहुत अच्छी मिली। हम चाहते हैं उससे भी ज़्यादा सुरक्षा हो, क्योंकि सुरक्षा होगी व्यापार होगा, बहन बेटियां बाजारों में निकलेंगी, खरीदारी करेंगी, व्यापारियों को भी व्यापार मिलेगा और बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। जी, आपकी क्या उम्मीद है नई सरकार का बनेगी चुनाव के बाद से, चुनाव होने वाले कुछ दिनों के बाद, कैसी सरकार चाहती हैं आप? सबसे पहले तो मैं एक महिला होने के नाते महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार चाहती हूँ, और हमारी सरकार ने ऐसा किया भी है। मैं वही अपेक्षा रखती हूँ कि आगे भी वह सार्थक करे। साथ में हमारी सरकार ने जो विदेशों में जो हमारी अपनी एक साख वापस लौटाई है, तो एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद बन बैठी है कि हम जो पहले एक सोने की चिड़िया देश कहा जाता था, और हमारा देश जो कि विश्व गुरु रहा था और कहीं ना कहीं एक नीचे पायदान पर आया है, अब एक उम्मीद जाग उठी है कि उस सरकार से दोबारा से पुनः विश्व गुरु बन पाएगा। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारी टीम से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जी सर, दाताराम शर्मा। दाताराम जी, चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में, नई सरकार बनेगी, नई सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? सर जी, कोई भी सरकार बने जो मानो देश का विकास करे, मानो प्रदेश का वही अच्छी है, मानो शिक्षा पर विकास करे और हॉस्पिटल मानो। नई सरकार का गठन होगा चुनाव के बाद से, कैसी सरकार आप चाहते हैं, क्या उम्मीद है? ऐसी सरकार चाहते हैं युवाओं को रोजगार मिले और बढ़िया स्वच्छ साफ सफाई रहने चाहिए और बिजली पानी और टाइम पे मिलने चाहिए, बस यही उम्मीद रखते हैं। हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं आगरा में, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार से उनकी उम्मीदें क्या है। हम आगरा से सटे कुछ गांव में जाएंगे, वहां लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के बाद जो नई सरकार गठन होगा, नई सरकार का, उनसे उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं।
आगरा के शहरी इलाकों में बात करने के बाद अब चुनावी गपशप की टीम आगरा के अरसाना गांव में पहुंच गई है। हमने शहरी इलाकों में लोगों से जानने की कोशिश की कि नए चुनाव के बाद से जो नई सरकार बनेगी उसको लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। हम अरसाना गांव में हैं, हम यहां लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार के गठन को लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? जयपाल सिंह। जयपाल जी, चलिए आपके साथ चर्चा भी चलेंगे और चुनावी गपशप करेंगे। नए चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होगा, कैसी सरकार चाहते हैं आप? बढ़िया बढ़िया तरीके से चले और काम करे, लोग बागों की सुनाई करे, यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? आपके गांव में अगर सरकार बनती है उससे क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद ये है कि यही नाली करेंगे, और क्या उम्मीद है? यही किसानों की यही उम्मीद रहती है, यही उम्मीद है, और क्या है? अपना शासन बढ़िया चलाए। चलिए, हम अरसाना गांव में मौजूद हैं, हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार को लेके उनके मन में क्या चल रहा है, क्या क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से। उनको चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होगा, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिवंश शर्मा है। हरिवंश जी, नई सरकार का गठन होगा चुनाव के बाद से? जी हाँ, बिल्कुल, सरकार ऐसी होनी चाहिए, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, ईमानदारी से कार्य होना चाहिए। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। नई सरकार का गठन होगा चुनाव के बाद से, कैसी सरकार चाहते हैं आप? जो जनता का विकास करेगी उस सरकार को चाहते हैं। कुछ ही दिनों में यहाँ चुनाव होने वाले हैं और नई सरकार का गठन होगा, लोग अखबार लेके पढ़ रहे हैं। हम इस चौपाल में चलते हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं और इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में क्या है। क्या नाम है आपका? बनवारी लाल यादव। बनवारी जी, नई सरकार का गठन होगा चुनाव के बाद? अच्छा, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार हमें तो जो है कि अपनी बढ़िया तरीका दिराख है, भाई चाह रहे चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा, कैसी सरकार चाहते हैं? हम तो जो हमारी रक्षा करे को बाकी चाहते हैं, किसानों की रक्षा करे बाकी चाहते हैं। चलिए, कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। हम भी चाहेंगे सर्दी में आग को तापे, आग की तपिश हम भी लें, हम थोड़ा इधर आने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? दीवान जी। नहीं, देवन जी, नई सरकार का गठन होगा चुनाव के बाद, कैसी सरकार चाहते हैं? बढ़िया चाहते हैं, किसान के समय हो बात चाहते हैं। कोई भी सरकार आए, ये भाई पानी की सुविधा हो गांव को निकलने के लिए, सब सरकार हमारी है, जो तो है नहीं सरकार को किसी की अलग से हो, सबकी सरकार एक ही है, पर सरकार ऐसी होनी चाहिए सुविधा होकर। नई सरकार का गठन होगा चुनाव के बाद से, कैसी सरकार चाहते हैं आप? हम यही सरकार चाहते हैं कि यानी हर इस इंसान का भला हो आगे समय। हम लगातार चुनावी गपशप कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मन में नई सरकार को लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं। हम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गए और लगातार हमारी टीम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रही है। हम उत्तर प्रदेश कुछ और जिलों में चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार को लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं।